बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में जावेद अख्तर की तरफ से किए गए मानहानि के मामले में पेश हुए। पेशी के दौरान जावेद अख्तर भी कोर्ट में मौजूद रहे। दरअसल कोर्ट ने कंगना को कहा कि अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी होगा। पेशी के बाद कंगना ने जावेद अख्तर के खिलाफ भी काउंटर याचिका दायर कर दी है। कंगना ने जावेद अख्तर पर जबरन वसूली और निजता के हनन जैसे आरोप लगाए हैं। हम आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। जून 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी, जिसके बाद बॉलीवुड में हड़कंप समझ गया। देश में दो तरह के लोग सामने आए, एक जो सुशांत के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, इनमें कंगना रनौत भी शामिल थी। इस दौरान कंगना ने बॉलीवुड के अंदर के किस्से सुनाने शुरू किए। एक ऐसे ही इंटरव्यू में कंगना ने जावेद अख्तर का नाम लेकर कहा, वो बॉलीवुड के सुसाइडल गैंग के मेंबर हैं, जो बाहर से आए लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाते हैं और ऐसा करके भी बच जाते हैं। इसके बाद नवंबर 2020 में जावेद अख्तर ने मुंबई की कोर्ट में कहा कि कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया गया था। दिसंबर 2020 में कोर्ट ने पुलिस को मामले की छानबीन के लिए कहा। पुलिस ने जांच में जावेद अख्तर के आरोपों की पुष्टि कर दी और अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई कर दी है और जनवरी 2021 में कंगना को पहली बार समन भेजा। इसके बाद कई बार सुनवाई हुई और कंगना कोर्ट नहीं पहुंची। कंगना को कोर्ट ने कहा था कि अगर वो 20 सितंबर को कोर्ट में पेश नहीं होती हैं, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।